29 सितंबर 2016 को भारतीय फौज ने पाकिस्तान में तमाम आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। सरकार की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक का ये वीडियो अब जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करते हुए साफ देखा जा सकता है। पीओके में घुसकर तमाम आतंकी कैंप्स को, लॉन्च पैड्स को भारतीय सेना के शूरवीरों ने तबाह कर दिया था। और आज से 2 साल पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, और किस तरीके से इन कैंप्स को तबाह किया गया था, जिसके बारे में पाकिस्तान मानने को तैयार ही नहीं हुआ था कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की सेना ने इस तरीके से किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन अब पूरी दुनिया के सामने भारतीय सेना ने ये तस्वीरें पेश की हैं, जो इस बात की गवाह हैं कि किस तरीके से इन तमाम आतंकी कैंप्स का संचालन पीओके में पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। इन आतंकियों को सुविधा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन भारतीय शूरवीरों ने कैसे इस ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दिया, जिसकी भनक ना इन आतंकियों को लग पाई ना पाकिस्तानी सेना को लग पाई, और ये बता दिया कि हिंदुस्तानी फौज हर कदम का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है, और ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो आगे भी इस तरीके से जवाब दिया जा सकता है। धीरेन्द्र पुंडीर इस खबर पर हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की पोल खुल गई है, जो अब तक मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी है। भी स्थिति में मानने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम था हिंदुस्तानी सरकार का, हिंदुस्तानी सेना का, कि अंदर जाकर उन कैंपों पर जहां से लगातार हिंदुस्तान में घुस के वो अटैक करने की कोशिश करते थे, वो वहां तबाह करना, ये एक बड़ा ऑपरेशन था। क्योंकि सरकार अब कल और परसों इसको, इस सर्जिकल जो स्ट्राइक डे है उसको बड़े तौर पर मना रही है, इसलिए उससे पहले कुछ और फुटेज, हालांकि कुछ दिन पहले जब सरकार ने सब लोगों के साथ ये शेयर हुआ था उसी दौरान ये एस्टेब्लिश हो गया था, ये सब जितने भी संदेह के बाद थे या सवाल थे वो सब उसी दिन खत्म हो गए थे जो इससे पहले शेयर किया गया था। इसके लिए ये है क्योंकि अगले 2 दिन में सरकार, हिंदुस्तान सरकार जो बड़े लेवल पर प्रोग्राम कर रही है, चाहे वो आप इंडिया गेट पर हो, चाहे प्रधानमंत्री कल जोधपुर में हो, वो तमाम जगह पर उन तमाम हथियारों को और पूरी डिटेल को शेयर कर रहे हैं, ताकि ये बताया जा सके कि पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग किस हद तक जा सकते हैं। अगर वो नहीं रुकता है तो हमारे सैनिक ये करने में सक्षम है, हमारी सरकार ये करने में सक्षम है, इसके ये चीजें थोड़ा साया की गई हैं इसी के लिए, क्योंकि सरकार इसको बड़े लेवल पर बना रही है। यूनिवर्सिटीज और जो स्कूल कॉलेज हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, यहां तक कि उन कुछ चुनिंदा हथियारों को भी दिखाया जाएगा, और जनता को जो सवाल अगर वो पूछना चाहेंगे तो उनको आर्मी का जो लोग वहां डिप्यूट है वो सवालों के जवाब भी देंगे। यानी जनता तक इस बात को देने के लिए, उनका मॉरल हाई करने के लिए इसको सरकार इस पर बड़े लेवल पर मना रही है, इसी कारण ये नया फुटेज भी आपको मिला। जी बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी तमाम जानकारी के लिए।